अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वीक 10 में जो है वो हम SLR 1 पार्सर उसकी एग्जांपल जो है वो उसको डिस्कस कर रहे थे, उसकी एग्जांपल को डिस्कस कर रहे थे। तो दूसरी एग्जांपल जो है वो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने जो है वो पहले 4 स्टेप्स जो है वो परफॉर्म कर लिए थे, जिसमें हमारे पास जो गिवन CFG थी उसको हमने नंबर दिए थे, फिर उसके बाद हमने ऑगमेंटेड CFG बनाई थी, फिर उसके बाद हमने जो है वो उसके जितने भी नॉन टर्मिनल थे उनका फॉलो सेट फाइंड कर लिया था, फिर उसके बाद हमने कैनोनिकल कलेक्शन भी परफॉर्म कर ली थी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो स्टेप नंबर 3 और 4 था उसको यूज़ करते हुए हमने पार्सिंग टेबल जो है वो जनरेट करना है। तो स्टेप 3 में हमने जो है वो आर सिंबल्स के अगेंस्ट जो है वो हमने फॉलो सेट फाइंड कर लिया था। फोर्थ स्टेप में हमने कैनोनिकल शेप बना ली थी। तो पाँचवें स्टेप में हमने पार्सिंग टेबल जो है वो किस तरह दिखा है या जनरेट किया है। तो स्टेप्स वही हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है वो हमने कहा था कि हमने जो है वो ये स्ट्रक्चर बनाना है, जिसमें हमने स्टेट्स का कॉलम बनाएंगे, एक्शन पार्ट बनाएंगे और गो टू का पार्ट बनाएंगे। ठीक है, स्टेट्स वाले कॉलम में कैनोनिकल कलेक्शन में जितनी स्टेट थी यानी कि 7 स्टेट थी, तो हमने 7 स्टेट्स लिख ली। ठीक है, एक्शन पार्ट में हमने देखा सिम्बल्स कौन कौन से हैं, ए बी और डॉलर। जो गिवन CFG होगी उसमें जो हमारे पास टर्मिनल्स होंगे वो हमने यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, और गिवन CFG के अंदर हमारे पास जो नॉन टर्मिनल थे वो हमने गो टू पार्ट लिख लिए। ठीक है, एक ये स्टेप हो गया। फिर हमने कहा था कि जो हमारे पास स्टेट्स होंगी उससे कितनी आउट गोइंग हो रही है, किधर किधर जा रही है, तो हमने उनको लिखना है। तो अगर हमारे पास नॉन टर्मिनल्स होंगे उसको हमने गो टू पार्ट में लिखा, एस के साथ 2 स्टेट पर जा रहा है, ए के साथ 3 पर जा रहा है, तो हमने 1 स्टेट पर एस के अगेंस्ट 2 लिख दिया, ए के अगेंस्ट 3 लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट स्टेट पर ए जो है वो स्टेट नंबर 4 पर जा रहा है और बी जो है वो स्टेट नंबर 5 पर जा रहा है, तो हमने ए के अगेंस्ट S4 और बी के अगेंस्ट S5 लिख दिया। 4 और 5 स्टेट नंबर हैं। एस जो है वो एक्शन है, 2 तरह के एक्शन जो है वो इसमें होते हैं, एक शिफ्ट का होता है और एक रिडक्शन या रिड्यूस का होता है। ठीक है, एस फॉर शिफ्ट, आर फॉर रिडक्शन या रिड्यूस। ठीक है, सेकंड स्टेट पर आ गए तो यहाँ पर एंड है, तो इसको आगे देखने की जरूरत नहीं है। 3 स्टेट पर आ गए तो यहाँ पर हमारे पास कैपिटल ए के साथ 6 पर जा रहा है, 3 स्टेट पर कैपिटल ए के साथ 6 पर जा रहा है, तो हमने स्टेट नंबर 6 लिख दिया। 3 स्टेट पर स्मॉल ए के साथ 4 और बी के साथ 5, तो यहाँ पर भी हमने 3 स्टेट पर S4 और S5 लिख दिया। ठीक है, इस तरह 4 स्टेट पर आ जाएं तो 4 स्टेट पर ए जो है वो 7 स्टेट पर जा रहा है, तो 4 स्टेट पर ए जो है वो 7 स्टेट हमने लिख दी। 4 पर ए जो है वो 4 पर ही आ रहा है, तो यहाँ पर हमने S4 ही लिख दिया। बी जो है वो 5 पर जा रहा है, तो हमने S5 लिख दिया। ठीक है, तो 4 के बाद 5 देखें तो ये एंड है, 6 भी एंड है, 7 भी एंड है, तो ये शिफ्ट वाली जो है वो वैल्यूज हमने एंट्री कर ली है। ठीक है, अब अगला जो रेड वाली एंट्रीज आपको नजर आ रही हैं ये बेसिकली यहाँ पर चेंज आएगा SLR 1 के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो स्टेट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे कि देखेंगे कि डॉट जो है वो एंड पर है या नहीं, तो स्टेट नंबर 1 में डॉट एंड पर नहीं। ठीक है, स्टेट नंबर 2 पर चले गए तो डॉट यहाँ पर एंड पर है, तो ये वाली जो प्रोडक्शन है ये बेसिकली हमारे पास ऑगमेंटेड थी, जो हमने सेकंड स्टेप में जो है वो खुद से ऐड की थी। तो जब ये वाली होगी तो फिर हमने 2 स्टेट के डॉलर साइन में आपने एक्सेप्ट लिखना है, 2 स्टेट के डॉलर साइन में एक्सेप्ट आपने लिखना। ठीक है, 2 के बाद 3 पर देखें तो कोई भी जो है वो एंडिंग पर डॉट नहीं है, 4 में देखें तो कोई भी डॉट एंड पर नहीं है, 5 पर देखें तो हमारे पास जो है वो डॉट एंड पर आ रहा है। तो अब ये वाली जो हमारे पास स्टेट नंबर 5 है इसमें हमने देखा ए प्रोड्यूसेस बी, तो ए जो है नॉन टर्मिनल है, इसका हमने फॉलो सेट देखना है। तो ए का फॉलो सेट क्या है, डॉलर ए और बी। हमारे पास एक्शन पार्ट में ये तीनों सिंबल थे, ए बी और डॉलर साइन, तो हमने क्या काम किया कि ए प्रोड्यूसेस बी, तो R3 जो था ये हमने इन तीनों सिंबल में लिख दिया। R3 जो है स्टेट नंबर 5 में R3 ये तीनों में क्यों आया, क्योंकि इसके फॉलो सेट में ये तीनों सिंबल थे। ठीक है, अब उसके बाद 6 पर आ जाए तो 6 में देखें S प्रोड्यूसेस डबल ए, तो S जो है वो एक आपके पास जो है वो नॉन टर्मिनल है, तो S जो है उसका फॉलो सेट क्या है, डॉलर साइन, तो S प्रोड्यूसेस डबल ए R1 है, तो R1 जो है वो आपने सिर्फ डॉलर साइन वाले कॉलम में लिखा है। इन दो में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसका फॉलो सेट में सिर्फ डॉलर साइन का सिंबल था। ठीक है, 7 पर आ जाए तो 7 में डॉट एंड पर आए, तो ए जो है इसका हमने फॉलो सेट देखना है, ए के फॉलो सेट में तीनों सिंबल हैं डॉलर ए और बी, तो ये वाली जो प्रोडक्शन है R2 ये हमने R2 तीनों कॉलम में लिख दी। तो स्टेट 7 में तीनों एंट्री तो हमने कर दी, क्यों की है, क्योंकि हमारे पास फॉलो सेट में हमारे पास ये तीनों सिंबल आ रहे थे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको पार्सिंग टेबल जो है वो इस एग्जांपल के थ्रू भी बनाना आ जाएगा। तो सिर्फ आपने जो है वो फॉलो सेट को देखना है और कैनोनिकल, ये दोनों स्टेप्स आपने देखने और टेबल बनाते जाना। ठीक है,
स्ट्रिंग हमने जो है वो ये शायद हमने लास्ट वीक में भी डिस्कस की थी, लेकिन इसमें क्योंकि टेबल के अंदर चेंजेस आई हैं तो वो दोबारा से हम जो है वो इसको डिस्कस कर लेते हैं। जिसके लिए हमारे पास पार्सिंग टेबल की ज़रूरत थी और स्टैक इम्प्लीमेंटेशन में जो स्ट्रिंग थी वो हमने ए बी लिखी थी। तो आपने इनपुट वाले कॉलम में ए बी और साथ में डॉलर साइन लगा दिया। स्टैक में हमारे पास डॉलर साइन और उसके बाद स्टेट नंबर वन स्टार्ट से हमने करना, ठीक है। तो वन स्टेट पर आपने ए देखना है, वन स्टेट पर ए में हमने देखा एस फोर, तो शिफ्ट का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो इस ए को हमने यहाँ पर स्टैक पर शिफ्ट कर दिया और स्टेट नंबर फोर पर चलेगी। फोर के बाद फिर हमने देखा फोर स्टेट पर बी को, तो फोर स्टेट पर बी को देखा तो एस फाइव, तो शिफ्ट फाइव, तो बी को भी हमने शिफ्ट कर दिया और स्टेट नंबर फाइव लिख दिया, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट में देखा फाइव को ए पर, तो फाइव स्टेट पर ए देखें तो हमारे पास आर थ्री आ रहा है। तो आर थ्री हमारे पास क्या था, ए प्रोड्यूसेस बी, तो ये जो बी था स्टैक के ऊपर उसको हमने रिप्लेस कर देना कैपिटल ए से। तो ये बी जो था इसको हमने कैपिटल ए से रिप्लेस कर दिया। फिर हमने ए को जो है वो पिछली स्टेट जो फोर नजर आ रही है इस पर आपने देखना है, तो ए वाला कॉलम और फोर वाली रो, तो ये सेवन आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास सेवन आ जाएगा। फिर हमने सेवन को ए पर देखा, तो सेवन को ए पर देखा तो रिडक्शन ही आ रही है आर टू, यानी कि स्मॉल ए कैपिटल ए को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, कैपिटल ए से। तो हम यहाँ पर देखें स्टैक के ऊपर कैपिटल ए और ये स्मॉल ए आ रहा है, तो ये चारों जो आपके पास है इन ट्रीज को हमने कैपिटल ए से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। फिर कैपिटल ए को हमने वन स्टेट पर, कैपिटल ए को वन स्टेट पर देखा तो यहाँ पर थ्री आ रहा है, तो हमने ए के बाद थ्री लगा दिया, ठीक है। तो स्टेट नंबर आ गया, तो अब स्टेट नंबर हमारे पास आ गया, तो इसको हमने नेक्स्ट सिंबल एक साथ चेक किया, तो थ्री पर ए हमने देखा तो एस फोर आ रहा है, तो शिफ्ट का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, तो ए हमने जो है वो शिफ्ट कर दिया। फिर हमने स्टेट फोर पर पहुंचे तो फोर हमने नंबर लगा दिया। फिर हमने फोर को बी पर देखा तो हमारे पास एस फाइव आ रहा है, तो शिफ्ट फाइव का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बी को जो है वो स्टैक पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, और स्टेट नंबर फाइव पर आ गया। अब हमने फाइव को डॉलर पर देखा, फाइव को डॉलर पर देखेंगे तो आर थ्री आ रहा है, तो आर थ्री हमारे पास था बी, ए प्रोड्यूसेस बी, तो ये जो बी आ रहा है इसकी जगह हमने कैपिटल ए रिप्लेस कर दिया। और उसके बाद जो पिछली स्टेट थी फोर थी, तो ए को हमने फोर पर देखा, तो ए को हमने फोर पर देखा तो सेवन मिला। फिर हमने नेक्स्ट में सेवन को डॉलर पर देखा, तो हमारे पास रिडक्शन आर टू थी, तो आर टू हमारे पास क्या थी, ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए, तो स्मॉल ए कैपिटल ए जो है यहाँ बन पा रहा है, स्मॉल ए और कैपिटल ए, तो ये चार जो सिंबल आपको नजर आ रहे हैं इनकी जगह हमने कैपिटल ए लिख दिया, ठीक है। तो फिर कैपिटल ए को पिछली स्टेट थ्री पर हमने देखा, तो कैपिटल ए को थ्री पर देखेंगे तो सिक्स आएगा, तो सिक्स को फिर हमने यहाँ पर लिखा, सिक्स को फिर हमने नेक्स्ट डॉलर के साथ जो है वो कंपेयर किया, तो सिक्स को डॉलर पर देखेंगे तो आर वन आ गया, ठीक है। तो आर वन भी एक प्रोडक्शन है, तो आर वन प्रोडक्शन हमारे पास क्या थी, एस प्रोड्यूसेस डबल ए, स्टैक पर देखें तो हमारे पास डबल ए ये वन बन रहा है, ए थ्री ए सिक्स, इस चार बार इन चार सिंबल्स को हमने एस के साथ प्लेस कर दिया। तो फिर एस को हमने इससे पिछले वन पर देखा, तो एस को वन पर देखेंगे तो स्टेट नंबर टू आ जाएगा, तो ये हमने टू यहाँ पर लिख दिया। फिर टू को डॉलर साइन पर देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेप्ट, तो टू को डॉलर साइन पर देखा तो हमें एक्सेप्ट मिल गया। तो इस तरह हमने ये स्ट्रिंग भी वैलिडेट करे कि ये वाली जो स्ट्रिंग है वो गिवन सी है जिसे प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट में हमारे पास जो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन हमने की थी इसको यूज़ करते हुए हम जो है वो जो स्ट्रिंग थी उसका हम सिंटैक्स ट्री ड्रा करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा था कि स्टैक इम्प्लीमेंटेशन में जो सबसे लास्ट में हमारे सिंबल मिलेगा यहाँ से हमने रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करना है, तो एस आपको मिला तो आपने एस यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। फिर ये एस आया किस तरह था, एस जो है वो डबल ए की रिप्लेसमेंट में आया था, तो हमने यहाँ पर उल्टा लिख दिया, एस प्रोड्यूसेस डबल ए, ठीक है। अब अगर राइट साइड पर देखेंगे तो कैप नॉन टर्मिनल है, तो ये वाला जो ए है वो कैसे आया था, वो स्मॉल ए और कैपिटल ए से आया था, तो हमने ये वाला जो राइट साइड पर ए था इसको हमने स्मॉल ए और ए कैपिटल ए से, यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये वाला ए जो है वो स्मॉल ए और कैपिटल ए में प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो अब हमारे पास फिर राइट साइड पर कैपिटल ए आ गया, तो ये कैपिटल ए कैसे आया था, बी के थ्रू आया था, ए प्रोड्यूसेस बी आ रहा था, तो हम इस ए की जगह बी लिख देंगे, तो इस ए की जगह हमने बी लिख दिया, ठीक है। तो अब ये वाला बी टर्मिनल है ये स्किप हो जाएगा, उसके बाद ए टर्मिनल है ये भी स्किप हो जाएगा, उसके बाद फिर ए आ जाएगा। तो ये ए कैसे आया था, स्मॉल ए और कैपिटल ए, तो इस ए को हमने स्मॉल ए और कैपिटल ए से रिप्लेस कर दिया। फिर हमारे पास राइट मोस्ट पर कैपिटल ए आ रहा है, तो ये कैसे आया था, बी के थ्रू आया था, तो ए को प्रोड्यूसेस बी, तो ए की जगह हमने बी लिख लिया, ठीक है। तो बी भी टर्मिनल है, उसके बाद ए भी टर्मिनल है, स्किप हो जाएगा, एट द एंड हो जाएगा, तो ये हमारा ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा, स्ट्रिंग भी वैलिडेट हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको एस एल आर वन की जो सेकंड एग्जांपल है वो भी समझ आ चुकी होगी, किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह आपको जो है वो एक और एग्जांपल मैं जो है वो डिस्कस करता हूँ और फिर इंशाल्लाह आपको एस एल आर वन भी समझ आ जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।